हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ मेवात पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवात के आखिरी सुल्तान शहीद राजा हसन खां मेवाती के बारे में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। शहीद राजा हसन खां मेवाती स्वतंत्र मेवात के आखिरी खानजादा सुल्तान थे। शहीद राजा हसन खां मेवाती राजा अलावल खान के पुत्र थे, जिन्होंने 1504 से 1527 तक मेवात पर राज किया था। शहीद हसन खां मेवाती ने 1504 से 1517 तक पिता अलावल खान के नेतृत्व में राज किया था, वहीं 1517 से 1527 तक स्वतंत्र रूप से मेवात पर राज किया था। अलावल खान उम्र बढ़ने की वजह से राजशाही से अलग हुए थे, लेकिन सारे राजनीतिक फैसले वो ही लेते थे। शहीद राजा हसन खां मेवाती मेवात की वो अजीम शख्सियत थे जिनका नाम आज भी हर मेवाती के दिलों में जिंदा है। लगभग 500 साल बीत जाने के बाद भी शहीद राजा हसन खां मेवाती का नाम सुनते ही हर मेवाती अपने मेवाती होने पर गर्व महसूस करता है और उनको बड़े फख्र से याद करता है। लेकिन वहीं जब आज के दौर में मेवातियों से उनके राष्ट्रवादी होने का प्रमाण मांगा जाता है तो वो बहुत दर्द देने वाला होता है, क्योंकि इतिहास में मेवातियों के बलिदान और शहादत को लगभग मिटाया जा चुका है। लेकिन कुछ मेवाती इतिहासकारों ने अपनी कलम की ताकत से उस धुंधले इतिहास को हमारे बीच लाने में मुख्य भूमिका निभाई है। इस चैनल के माध्यम से उसी दबे हुए और धुंधले इतिहास को आपके सामने लाने का हमारा मेन उद्देश्य है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करती रहें। शहीद राजा हसन खां मेवाती की वीरता और दिलेरी संपूर्ण भारत में मशहूर थी। शहीद राजा हसन खां मेवाती अपने समय के सबसे बहादुर और शक्तिशाली राजा थे। शहीद राजा हसन खां मेवाती ने हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया और उनको खदेड़ा। जब 1526 में बाबर ने भारत पर हमला किया था, तब राजा हसन खां मेवाती ने इब्राहिम लोदी के पक्ष में अपने बेटे नहार खान के नेतृत्व में पानीपत के युद्ध में भी अपनी सेना बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए भेजी थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे और मारे गए थे, जबकि हसन खां मेवाती के बेटे नहार खान को बाबर के द्वारा बंदी बना लिया गया था। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया था और आगरा को अपनी राजधानी बनाकर खुद को हिंद का सम्राट घोषित कर दिया था, जिसके बाद हिंद के अन्य राजाओं ने उनका विरोध किया, जिसमें उस वक्त के मेवात के राजा हसन खां मेवाती और मेवाड़ के राजा राजा राणा सांगा सबसे आगे थे और पानीपत के युद्ध में भी राजा हसन खां मेवाती ने बाबर का मुकाबला किया था। इसके बाद राजा राणा सांगा ने हिंद के राजाओं को इकट्ठा करके बाबर के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने लगा और हसन खां मेवाती को भी उनका साथ देने के लिए कहा, जिसकी खबर बाबर को भी हो गई थी। राजा हसन खां मेवाती की बहादुरी और दिलेरी के किस्से पूरे भारतवर्ष में मशहूर थे। राजा हसन खां मेवाती की बहादुरी और दिलेरी की खबर सुनने के बाद बाबर ने उनके नाम खत लिखा, जिसमें उन्होंने राजा हसन खां मेवाती को कहा कि हम दोनों मजहबी भाई हैं, इसलिए आपको मेरा साथ देना चाहिए, हम मिलकर राज करेंगे। जिसके जवाब में राजा हसन खां मेवाती ने खत लिखा और बाबर को बोले, मानता हूं कि हम मजहबी तौर पर भाई भाई हैं, लेकिन मजहब से पहले मेरे लिए मेरा वतन है और ये ही मेरा ईमान है। ये कहते हुए बाबर का पैगाम राजा हसन खां मेवाती ने ठुकरा दिया था और कहा कि मैं अब अपने वतन के खातिर लड़ूंगा और अपने वतनी भाई का साथ दूंगा, अब हमारी मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। शहीद राजा हसन खां मेवाती का साथ पाते ही राजा राणा सांगा ने युद्ध की घोषणा कर दी। इतिहास गवाह है कि राजा हसन खां मेवाती ने कभी भी किसी विदेशी आक्रमणकारी का साथ नहीं दिया था, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, बल्कि वतन के लिए हिंदू राजाओं का साथ दिया था। बाबर ने हसन खां मेवाती के बेटे को भी बिना शर्त रिहा कर दिया था, जिसको उसने पानीपत के युद्ध के बाद बंदी बनाया था, ताकि हसन खां मेवाती उसका साथ दें। लेकिन फिर भी हसन खां मेवाती ने उनका साथ नहीं दिया और वतन के लिए लड़ने का फैसला किया।
1527 में राजा हसन खां मेवाती अपने पिता राजा अलावल खान के साथ और 12,000 अपने घुड़सवारों और सेना के साथ कानवा के मैदान में बाबर का मुकाबला करने के लिए पहुंच गए। लेकिन दुर्भाग्यवश युद्ध शुरू होने से पहले ही राजा अलावल खान अपने कैंप में मृत अवस्था में पाए गए थे। सभी साथी राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ कानवा के मैदान में पहुंच चुके थे। राजा राणा सांगा भी अपने 3,00,000 की बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। कानवा के मैदान में युद्ध शुरू हुआ और युद्ध के शुरुआत में ही एक तीर राजा राणा सांगा के सर में आ लगा, जिससे वो घायल होकर घोड़े से नीचे गिर गए थे और युद्ध के मैदान से चले गए थे, जिसको देखकर उसकी सेना के पैर उखड़ने लगे। जिसके बाद राजा हसन खां मेवाती ने मोर्चा संभाला और सेनापति के झंडे को अपने हाथ में लिया और अपनी सेना के टूटते हुए हौसलों को नई ऊर्जा दी और बाबर की सेना पर टूट पड़े और बाबर की सेना के पैर उखड़ने लगे और वो पीछे हटने लगे, जिसको देखते हुए बाबर ने अपनी सेना को बम के गोलों की बारिश शुरू करने के आदेश दिए, जिसके बाद एक बम का गोला शहीद राजा हसन खां मेवाती के सीने में आ लगा और इसी के साथ वो अपने वतन को बचाते हुए राजा हसन खां मेवाती शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद भी मेवाती सेना लड़ती रही, लेकिन अंत में वो हार गए। राजा हसन खां मेवाती के बेटे नहर खान पिता के शव को तिजारा लेकर आए और राजा हसन खां मेवाती को उनके द्वारा बनाई गई मस्जिद के परिसर में दफनाया गया। नहर खान ने उनकी कब्र के ऊपर एक गुम्बद का निर्माण भी करवाया था। राजा हसन खां मेवाती की शहादत की खबर सुनते ही बाबर ने जीत का ऐलान किया और सारे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। बाबर ने बाबरनामा में भी शहीद राजा हसन खां मेवाती की बहादुरी, दिलेरी और अपने वतन के प्रति ईमानदारी को दर्शाया है और उनको मुगल सल्तनत के शुरुआत के दिनों का सबसे परेशानी देने वाला राजा बताया है। शहीद राजा हसन खां मेवाती की शहादत को पूरा देश और पूरा मेवात कभी नहीं भुला सकता। शहीद राजा हसन खां मेवाती की शहादत को हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों की सरकारों ने भी सम्मान दिया है। जहां एक और राजस्थान सरकार ने उनकी वीरता भरी गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए अलवर में 85,00,000 की लागत से हसन खां मेवाती का पनोरमा बनाया है। इसके बाहर उनकी घोड़े पर सवार एक प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा हसन खां मेवाती नगर के नाम से एक जगह का नामकरण भी किया गया है, जो अलवर जिले के अंदर है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने मेवात जिले के हेडक्वार्टर नूह के समीप नल्लड़ में बने सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भी शहीद राजा हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय रखकर उनको सम्मान दिया है। आज भी मेवात के लोग 15 मार्च को उनके शहादत दिवस के तौर पर मनाते हैं और उस बहादुर और दिलेर राजा को खिराज अकीदा पेश करते हैं। आज भी कोई मेवाती उनकी शहादत को नहीं भुला पाया है। इस वीडियो के माध्यम से हम भी अपने वीर शहीद को खिराज अकीदा पेश करते हैं और उसके साथ साथ सभी अपने गुमनाम मेवाती शहीदों को भी खिराज अकीदा पेश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेवात के बहादुर सम्राट शहीद राजा हसन खां मेवाती के बेटे राजा नहर खान के बारे में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेवात की हर महत्वपूर्ण जानकारी सभी मेवाती भाई तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।